गाइस यार, मैं अपनी ये जॉन्डी ट्रैक्टर लेके ना मार्केट में घूम रहा था, तभी मेरे को गाइस यार लेस्टर का कॉल आया कि फ्रैंकलिन जल्दी से घर पे आ जाओ। तो मैंने पूछा किसके घर पे आना है, तो उसने बोला कि भाई अपने घर पे आ जाओ। पता नहीं गाइस ये मेरे घर पे क्यों आया है। चलो कोई बात नहीं गाइस यार, थैंक यू आप लोगों को कि आप लोगों ने दुर्गा पंजाल वाली वीडियो भी अब देख रहे हो। एंड भाई साहब, जिस दिन हम लोगों ने अपलोड किया था उस दिन आप लोगों ने नहीं देखा था, तो चलो गाइस आप लोगों को दुर्गा पंडाल भी दिखा देंगे। एंड आपको तो पता है हमारे पास भाई 4 फ्लोर का पार्किंग एरिया है, जो कि गाइस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। चलो सब सारा कुछ दिखा देंगे। तो ये देखो भाई, लेस्टर का यहाँ पे कार लगा है, यानी कि लेस्टर आया हुआ है। लेट्स गो, क्या बोलते हो गाइस, लेस्टर की कार चोरी करके टॉय में कन्वर्ट कर दे क्या? कितनी प्यारी लगेगी, छोटी सी प्यारी सी ये परी वाली कार। एंड देखो ये रहा हमारा 4th फ्लोर का, मतलब 4 फ्लोर का पार्किंग एरिया। चलो गाइस यार, पहले भाई बात करते हैं लेस्टर से, क्या बात है क्या बात नहीं है। एंड ये देखो गाइस, ये है हमारा बहुत ही प्यारा वाला भाई पंडाल। चलो मैं आप लोगों को पंडाल दिखा दूंगा। ये देखो भाई, भाई ये क्या है? अरे भाई ये तो जेट पैक है। अरे क्या बात हो गया, क्या बोल रहा है तू? और फ्रैंकलिन, तुम्हारे लिए एक बहुत खतरनाक वाला ऑफर लेके आया हूँ। कौन सा ऑफर भाई, मेरे को बताएगा तू? और फ्रैंकलिन, तुम सुनोगे तो तुम पागल हो जाओगे। क्या बात कर रहा है भाई, सुनूंगा पागल हो जाऊंगा, कुछ बताएगा तब ना। और फ्रैंकलिन, एक बंदे को बेहोश करके और एक बंदे से पूछना है कि खजाना कहाँ रखा है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं भाई, मेरे को बताएगा कुछ यार? एक बंदे को बेहोश करना है और एक बंदे से पूछना है मतलब? और फ्रैंकलिन, मैं तुमको एक लोकेशन दूंगा, वहाँ पे इस जेट पैक के थ्रू तुमको जाना है और वहाँ पे 2 बंदे मिलेंगे, एक को बेहोश करना है और एक का लोकेशन पूछना है कि खजाना कहाँ पे रखा है उसने। अबे यार ये क्या पाप प्लान बना दिया। छोड़ो, पहले भाई आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखो हम लोगों का दुर्गा पंडाल कितना ज़्यादा बढ़िया बना है, मूर्तियाँ वगैरह भी हम लोगों ने रखी है। एंड देखो गाइस कितना बढ़िया डेकोरेशन हुआ है। आप लोगों ने गाइस वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना हम लोगों ने ये पंडाल कैसे बनाया था। एंड काफ़ी ज़्यादा मेहनत से ये पंडाल बनी थी। आप लोग कॉमेंट में ज़रूर बताना कैसी है वो वाली वीडियो। फिलहाल यार क्या करना है मेरे को भाई, शुरू से बता भाई, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, तू बताएगा तब मैं कुछ समझ पाऊँगा। अरे फ्रैंकलिन, बताता हूँ, ये बात किसी को बताना मत। अरे फ्रैंकी भैया, पहले बात तो सुन लो आप। अबे यार ये बताएगा तो ना। अरे बताता हूँ फ्रैंकलिन, तुम दोनों टेंशन मत लो। वो सामने वाली मेज बैंक की जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना, वहाँ पे तुमको एक हेलीकॉप्टर मिलेगा और 2 बंदे मिलेंगे। एक बंदे को बेहोश कर देना फटाक से, गुंडा टाइप का दिख रहा होगा उसको। एंड एक बंदे को भाई गन की नोक पे पूछना खजाना कहाँ है, और उसने खजाना का नाम बता दिया तो उसको भी बेहोश कर देना, और वो हेलीकॉप्टर लेके आ जाना, मैं उसमें बैठूंगा और हम लोग खजाना ढूंढने चलेंगे, ठीक है फ्रैंकलिन? अबे यार खजाना ढूंढने जाना है क्या? अरे हाँ फ्रैंकलिन, अगर तुम इस काम में मेरे साथ दोगे तो मैं तुमको ब्रांड न्यू इंडियन महिंद्रा की एक कार दूंगा। कौन सी कार भाई, मेरे पास तो बहुत सारी कार है। अरे मैंने तुम्हारा पार्किंग एरिया देखा, उसमें वो वाली कार नहीं है, तो मैं तुमको दूंगा वो वाली कार अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो। अबे सिंचन, अरे यार प्लान बहुत अच्छा है, मैंने भी सुना है। हाँ प्लान तो बहुत तगड़ा है। एंड यार सिंचन बोल रहा है कि भाई काम कर दे। अरे हाँ फ्रैंकी भैया, कर दो फ्रैंकी भैया। अबे हाँ यार, और सामने वाली बिल्डिंग पे मेरे पास तो भाई ये स्नाइपर है ही, देख लेते। और भाई हेलीकॉप्टर तो है गाइस, यहाँ पे हेलीकॉप्टर है, दिखाई तो दे ही रही है। बस हेलीकॉप्टर को भाई क्या करना है, लेके आना है और एक बंदे को बेहोश करना है जो गुंडे जैसा दिखता है, एंड एक बंदे से बात करनी है। लेकिन भाई ये जेट पैक क्यों लाया है? और फ्रैंकलिन, उतनी ऊँचाई पर तुम जाओगे कैसे? इसी के लिए तो मैं जेट पैक लेके आया हूँ। अच्छा जी, चलो गाइस चलते हैं, ठीक है यार मैं तेरा काम कर, एक काम करते हैं, रुको रुको भाई, जेट पैक से बैठने से पहले हाथ में स्टन गन ले लेता हूँ भाई। उस टाइम मेरे को स्टन गन हाथ में नहीं आती है, ये आ गई अपनी स्टन गन, क्योंकि मारना नहीं है गाइस, बेहोश करना है बंदों को। चलो चलते हैं, सिंचन यहीं पे रहना, ठीक है फ्रैंकी भैया, आप मेरी टेंशन मत लो। हाँ गाइस ये देखो, ये जेट पैक उड़ चुकी है। एंड गाइस देखो कितना ज़्यादा बढ़िया दिख रही है। एंड ये रहा हमारा 4th फ्लोर का पार्किंग एरिया, बट हम लोगों को गाइस सामने की तरफ जाना है। एंड ये देखो पहले मैं ऊपर जा रहा हूँ, एंड ये देखो अब थोड़ा सा टेढ़ा करके हम लोगों को सामने वाली बिल्डिंग पे जाना है। अबे गाइस ये देखो मैं इतनी हाइट पे आ गया हूँ और बस सामने ये। अरे फ्रैंकलिन जल्दी करो, वरना वो लोग हेलीकॉप्टर के थ्रू दूसरे जगह चले जाएंगे। अबे लेस्टर, तूने मेरे को ऐसा काम दिया है कि भाई मैं तेरे को बता नहीं सकता। रुको गाइस यार, मैं डायरेक्ट जाऊँगा तो वो लोगों को शक हो जाएगा। एंड पहले देख लेता हूँ गाइस यार, लेस्टर भाई सही तो बोल रहा है। ये देखो गाइस सामने मेज बैंक है,
एंड इसके ऊपर तो एक हेलीकॉप्टर दिख रही है। अरे फ्रैंकलिन जल्दी करो, उनका टाइम हो गया है उधर से निकलने का। अबे लेस्टर पागल है क्या भाई, नीचे करूँगा। रुको गाइस यार, मेरे को एक प्लान बनाना पड़ेगा क्योंकि एक बंदे को बेहोश करके दूसरे से पूछना है। तो चलो गाइस यहाँ पे आराम से लैंड हो जा, लैंड हो जा, लैंड हो जा। ओके फाइनली गाइस फाइनली आराम से लैंड हो गई है। अभी मैं यहाँ पे उतर जाता हूँ। और सिट सिट ये जेट पैक गिरते बचा। और जेट पैक की छोड़ो, जेट पैक को छोड़ो, खजाना मिलेगा। अब कितना खजाना? अरे फ्रैंकलिन ऊपर जाओ, एक बंदे को बेहोश करो। रुक जा भाई, यार तूने बोला गुंडे को बेहोश करना है ना। अरे हाँ फ्रैंकी भैया, एक गुंडे की शक्ल का होगा बंदा। हाँ हाँ भाई, लेस्टर ने मेरे को बताया है एक बंदा भाई गुंडे की शक्ल का होगा, उसको बेहोश करना है एंड एक बंदे से मेरे को पूछना है। भाई यहाँ पे तो हेलीकॉप्टर है, ठीक है यार। और यहाँ पे गाइस दो बंदे, और एक तो बंदा मेरे को दिख रहा है कि हाँ ये गुंडा ही है। ये देखो गाइस यार, ये भाई टकला दिख रहा है ना, ये टकला भाई मेरे को लग रहा है। अरे हाँ फ्रैंकलिन, वो टकले को बेहोश करो जल्दी से जल्दी। हाँ हाँ कर रहा हूँ। ये भैया बेहोश हो गया। अरे उसको भी अबे चल नीचे आ जा। अरे भाई कौन हो तुम, मेरे से पैसे ले लो, मेरे को छोड़ दो। अबे नहीं घुटने पे आ, जल्दी घुटने पे आ तू। हाँ ऐसे ही। अरे भाई मेरे को क्यों ऐसे कर रहे हो, छोड़ दो मैं तुमको पैसे दे दूंगा। अरे नहीं फ्रैंकलिन, उससे पैसे मत लो, खजाने का पता पूछो। हाँ लेस्टर मैं पूछता हूँ। हाँ भाई खजाना तूने कहाँ रखा है, जल्दी बता। अरे खजाना की भी पता बता दूंगा, वो पहाड़ी के पीछे वाली गुफा में है। अब तो मेरे को जाने दो, मैं क्या करूँगा, तुमको कुछ नहीं करूँगा, जाने दो। नहीं ऐसे कैसे जाने दूंगा। लेस्टर बता इसको क्या करना है। अरे यार उसने लोकेशन तो बता दिया ना। हाँ भाई लोकेशन तो बता दिया इसने। अरे भाई मेरे को छोड़ दो। नहीं छोड़ दो भाई, तेरे को भी लेस्टर ने बोला है बेहोश करने का, ठीक है ना। अरे फ्रैंकलिन तूने बहुत अच्छा काम किया, अभी ये 3-4 घंटे बेहोश रहेंगे, तब तक हमारा काम हो जाएगा। अबे करना क्या है, अब बता, घर पे हेलीकॉप्टर लेके आओ। अरे नहीं फ्रैंकलिन, उसने जहाँ पे लोकेशन बोला है वहाँ पे आओ। अबे वहाँ पे क्या करना है आके। अरे आओ तो, मैं तुम्हारा उधर इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है यार। लेस्टर ने गाइस बोला है वहाँ पे आने के लिए। चलते हैं गाइस यार और देखते हैं कि भाई क्या सीन होता है। मैं तो गाइस यार काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ हूँ, बट यार भाई मेरे को ऐसा काम दे रहा है ना लेस्टर की, भाई क्या करूँ मैं। चलो गाइस यार उस पहाड़ी के पास मेरे को भाई लेस्टर ने बोला है जाने के लिए, बट यार जाना ही है क्योंकि भाई लेस्टर हमारा हर काम करवाता है एंड भाई पैसे अभी मिलते हैं। चलो गाइस जल्दी चलते हैं। लेस्टर तू आ रहा है ना। अरे यार तुम्हारी ब्रांड न्यू कार लेके आ रहा हूँ, ऐसे कैसे, क्या बात कर रहा है। गाइस यार लेस्टर का मैंने काम किया है, बट यार ये खजाने का पता मेरे को मिल गया है, कितना खजाना होगा। अरे फ्रैंकलिन ये सबसे तुमको क्या मतलब, मैंने तुमको बोला ना ब्रांड न्यू कार दिलाऊंगा महिंद्रा की, तो तुम मेरा काम कर दो। हाँ मैं तेरा काम ही कर रहा हूँ भाई, हेलीकॉप्टर के थ्रू गाइस मैं उस वाले लोकेशन पे पहुँचता हूँ। पहाड़ी के पीछे कौन सी गुफा है? अरे मैंने तुमको एक लोकेशन भेजा है, वहाँ पे आ जाओ, ठीक है यार। ये तो लोकेशन इधर ही कहीं का दिखा रहा है गाइस, एंड यहाँ से राइट लेने का दिखा रहा है। चलो गाइस कोई बात नहीं, मैं फटाक से उस वाले लोकेशन पे पहुँचता हूँ। एंड ये लोकेशन ना भाई इधर कहीं का दिखा रहा है, जहाँ पे रेस नहीं होती। अरे हाँ उधर ही। हाँ भाई इधर तो रेस होती है, एंड ये शायद नीचे वाली जो देख रहे हो ना, हाँ सामने वाली गुफा है गाइस। इधर देखते हैं क्या सीन है। और भाई मैं नीचे उतर रहा हूँ। अरे हम लोग पहुँच भी गए हैं। अच्छा मैं भी आ रहा हूँ, रुक जाओ भाई। भाई रेस तो इधर ही होता है, बट समझ नहीं आ रहा है। अरे फ्रैंकलिन हम लोग तुमको देख पा रहे हैं, बस नीचे आ जाओ। हाँ मैं लैंड करता हूँ इधर ही भाई, लोकेशन तो दिखा रहा है, लेस्टर ने मेरे को इधर ही का लोकेशन भी भेजा है। देखते हैं गाइस क्या हो रहा है। अरे फ्रैंकलिन जल्दी नीचे आओ, कर क्या रहे हो। अरे आ गया भाई, ये हेलीकॉप्टर है, कार नहीं है भाई। ये ग्रीन कार दिख रही है, कौन सी कार है सिंचन? अरे देखो तो बहुत प्यारी है। अब महिंद्रा की कौन सी कार आ गई गाइस यार, नहीं है क्या? अरे नहीं है, बट पुरानी मॉडल ही है। हाँ भाई देख लेता हूँ पहले हेलीकॉप्टर, तो भाई सेफली लैंड करा दूँ। चलो गाइस हेलीकॉप्टर लैंड हो गई है, एंड यार भाई कौन सी कार है। और भाई ये तो स्कॉर्पियो एन है। अरे हाँ फ्रैंकी भैया, क्या बात है भाई, मैंने तो सोचा ही नहीं था स्कॉर्पियो एन को भी हम लोग टॉय में बना सकते हैं, आज तो बनाएंगे सिंचन। अरे फ्रैंकलिन पहले मेरा काम करो। अब कौन सा काम? अरे इसके अंदर जाके तुमको देखना भी तो है, इसमें पैसे है भी कि नहीं, खजाना है भी कि नहीं। अबे यार इसके अंदर, ये तो बोला जाता है भूत का केव है। अरे कोई भूत नहीं रहता फ्रैंकलिन, जल्दी अंदर जाओ। अबे मेरे को अकेले क्यों भेज रहे हो, तुम लोग भी तो चलो भाई, क्या दिक्कत हो गई? अरे नहीं ये काम तुमको करना है, अगर तुम नहीं करोगे तो ये कार भी नहीं दूंगा फ्रैंकलिन तुमको, समझ जाओ, अगर करोगे तो ले जाओ। अबे भाई ठीक है यार,
सिंचन तू तो चल। अरे नहीं फ्रेंकी भी, आपको तो पता है मेरे को भूतों से डर लगता है। अबे यार सिंचन तू भी मेरे साथ चलने के लिए रेडी नहीं है। चलो गाइस कोई बात नहीं गाइस, सबसे पहले इसको तो भाई साहब खोलना पड़ेगा एंड ये भाई गन से फूट जाएगा ना। अरे ये तुम्हारा काम है, ये देखो गाइस यहाँ पे लिखा है दिस प्रॉपर्टी यहाँ पे। अरे भाई मैंने गोली मार दी पता नहीं क्यों। ये देखो रिस्ट्रिक्टेड लिखा है, स्ट्रिक्ट नो एंट्री विदाउट परमिशन। गाइस यहाँ पे विदाउट परमिशन भाई अलाउ नहीं है, बट कोई नहीं इसको भाई तोड़ते हैं। अब यार ये एक ही पट्टी टूटी, और क्यों नहीं टूट रहा है? अब कौन सी गन से टूटेगा? रुको भाई मैं ना मशीन गन निकालता हूँ। आरपीजी से भी टूट सकता है बट मैं ना मशीन गन निकालूंगा एंड मशीन गन से ये देखो गाइस कैसे भाई चिथड़े उड़ जाएंगे इस वाले। भाई ये देखो तोड़ दिया है गाइस मैंने। अरे फ्रैंकलिन टॉर्च लेके जाना। हाँ हाँ मेरे पास टॉर्च है भाई, टेंशन मत ले। देखता हूँ अंदर जाके। भाई अंदर कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे जाओ जाओ अगर कुछ दिखा तो बताना। हाँ भाई। अरे फ्रैंकी भी आराम से देखना, इसको भूतों का गुफा बोला जाता है। अबे यार तू मेरे को डरा मत। वैसे यहाँ पे पटरी है, आई थिंक यहाँ पे पहले छोटी वाली ट्रेन चलती होगी। अरे हाँ फ्रैंकलिन ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, लास्ट पॉइंट में दो हिस्से मिलेंगे, वहाँ पे देखना पैसे होंगे तो ठीक है वरना रिटर्न आ जाना। ठीक है भाई तेरा भाई बात मानता हूँ। गाइज इतना खतरनाक वाला गुफा है एंड देखो भाई मैंने टॉर्च ऑफ किया, देखो भाई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है भाई, उस साइड भी नहीं एंड इस साइड भी। मैं तो भूल ही जाऊंगा बट कोई नहीं गाइस मैं अंदर जा रहा हूँ। सिंचन। अरे फ्रैंकी भैया देखना आराम से, कोई मिल मत जाए। नहीं नहीं सब कुछ बढ़िया है। अबे पैसे दिख रहे हैं। अरे पैसे दिख रहे हैं। अबे कोई आदमी लेटा हुआ है। अरे क्या बात कर रहे हो, उसको बेहोश करो। अबे बेहोश करूँ क्या भाई, बेहोश करता हूँ कौन है? अरे भाई ये तो पहले से कुछ है क्या उसमें? अबे नहीं नहीं भाई ये पता नहीं कौन है, अबे ये तो पहले से मरा पड़ा है। अरे फ्रैंकलिन आराम से देखो टॉर्च को ऑन करके। अबे भाई इसकी शक्ल कितनी ज़्यादा डरावनी लग रही है भाई। अरे लगता है कोई पैसे लेने गया होगा और बाहर रास्ता भूल गया होगा। अबे हाँ यार ये बहुत खतरनाक है। अबे भाई सिंचन। अरे क्या? अबे यार लेस्टर ये तो बहुत सारे पैसे हैं। अरे फ्रैंकलिन पैसे है ना, अब बाहर आ जाओ तुम। अबे बाहर आ जाओ बिना पैसे लिए? अरे हाँ खतरे से खतरा है उसमें, जल्दी बाहर आओ। अबे यार गाइस यार भाई पैसे तो मिल गए, अंदर बहुत सारे पैसे है गाइस यार, बट कोई बात नहीं जल्दी जल्दी निकलते। अरे फ्रैंकलिन जल्दी बाहर आओ वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। अबे ऐसा क्या है इसमें? अरे इसमें चोर वगैरह भी आते रहते हैं, इसके तीन दरवाजे हैं। अबे यार इस गुफा में जाने के लिए तीन दरवाजे हैं क्या? अरे हाँ फ्रैंकलिन तुमको पता नहीं है कुछ। अबे यार अंदर तो भाई है, पैसे तो है भाई, और भाई थोड़े से पैसे नहीं है बहुत सारे हैं। अच्छा फ्रैंकलिन तुम्हारा काम यहाँ पे ख़त्म होता है, अब तुम जा सकते हो, मैं पैसे दूसरे से निकलवाऊंगा। क्या बात हो गई भाई, मैं भी तो निकाल सकता था। अरे नहीं फ्रैंकलिन तुमने पूरा अंदर नहीं गए ना, अंदर जेवर भी है, मतलब बहुत सारे सोने हैं, बहुत सारे गोल्ड हैं, डायमंड है। अबे यार तूने मेरे को बेवकूफ़ बना दिया यार। भाई यार तूने मेरे को भाई क्या दिया ये भाई, ये 15 लाख रुपए वाली कार दी तूने और भाई खुद इतने सारे पैसे ले लिए। अरे फ्रैंकलिन प्लान भी तो मेरा ही था, अगर तुमको प्लान पता ही नहीं रहता तो पैसे तुमको कौन देता? हाँ भाई ये भी तो सही बात है सिंचन। अरे हाँ फ्रैंकी भी ये छोड़ो ना, हम लोगों को तो कार मिल गई ना, अपनी टॉय कार बनाएंगे। हाँ टॉय कार बनाएंगे बट यार ये देखो गाइस ब्रांड न्यू ये कार है एंड कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। ठीक है यार लेस्टर मैं तेरा भाई बात मान लेता हूँ, ये कार तो मैं ही रखूँगा। चल सिंचन निकलते हैं। अरे हाँ चलो 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 गाइस यार कार में बैठते हैं। कार मिली है बट कोई बात नहीं, लेस्टर वाइज समझ लेगा इसको बहुत सारे पैसे मिल गए। चलो निकलते हैं गाइस यार, और आप लोगों को भाई इसका टॉय में कन्वर्ट करते हैं। कलर मैं चेंज करा लूँगा, ग्रीन कलर मेरे को भाई उतना जच नहीं रहा है, ब्लैक स्कॉर्पियो बहुत प्यारी दिखती है, पर देखते हैं गाइस कौन सी कलर करानी है ना सिंचन। अरे गोलियाँ चल रही है। हाँ भाई गोली। अबे कौन गोलियाँ चला रहा है? अरे पता नहीं देखो तो। अरे भाई ये कौन सा हो गया भाई साहब, मेरे पे किसने अटैक कर दिया? अरे फ्रैंकलिन तुम पे अटैक हुआ है क्या, छिप जाओ। अबे यार किसी ने मेरे पे अटैक कर दिया लेस्टर। अरे वो गुंडे हैं, लगता है उनको पता चल गया है। अबे यार तूने मेरे को कहाँ फंसा दिया, और कौन से गुंडे हैं? मेरे को भाई इनको मारना पड़ेगा। सिंचन जल्दी तुम कार में बैठ जाओ। हाँ हाँ भाई सिंचन तू कार में बैठा रहा, लेस्टर सही बोल रहा है। वैसे लेस्टर गाइस अभी भी यहीं पे है क्या? अबे लेस्टर तू वहीं पे है? अरे फ्रैंकलिन मेरी टेंशन मत लो, उनको खत्म करो तुम जल्दी। हाँ भाई जल्दी खत्म कर रहा हूँ भाई, स्नाइपर ये तो बहुत सारे लोग है। अबे टकला गएंगे ये जिसको मैंने बेहोश किया था। अरे लगता है उसको होश आ गया और उन लोगों ने सारे बंदों को बता दिया है। अबे कितने सारे लोग है भाई,
भाई नीचे से आ रहे। अरे फ्रैंकलिन एक काम करो, उधर से निकल जाओ। अबे यार क्यों निकल जाओ? अरे बहुत सारे गैंग वाले हैं इनके, इतने सारे पैसे वो लोग ऐसे कैसे जाने देंगे? अबे भाई बहुत सारे हैं। अरे फ्रैंकी भैया निकलो जल्दी। हाँ जल्दी निकलते हैं गाइस, एक दो नहीं है बहुत सारे हैं, इसलिए गाइस यार हम लोगों को रिस्क नहीं लेना। मैं तो कार में बैठता हूँ, सिंचन जल्दी। अरे बैठ गया मैं, निकलता हूँ गाइस। ये देखो वैसे ये बुलेट प्रूफ कार होती है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। कितने सारे आ रहे हैं? अबे भाई ये तो बहुत सारे हैं। अरे फ्रैंकलिन तुम उधर से भागो। अबे यार मैं तेरे पास आ रहा हूँ। अरे नहीं फ्रैंकलिन वरना वो लोग मेरे को मार देंगे, तुम निकलो यहाँ से। ठीक है यार मैं निकलता हूँ। गाइस यार ये गैंग वाले भी बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं यार। भाई वो लोगों को बेहोश करने के तूने क्यों बोला? अरे फ्रैंकलिन ये पहला लोकेशन है, अभी बहुत सारे ऐसे ऐसे लोकेशन है गोल्ड के। अबे भाई बहुत सारे। अबे ये कौन सा जानवर है सिंचन? ये देख। अरे ये जंगली सुअर है। और सिट भाई मैंने लॉस सैंटोस में पहली बार ये जानवर देखा है, जंगली सुअर भी रहते हैं क्या लॉस सैंटोस में? ये देखो गाइस आपने, मैं रियली बता रहा हूँ भाई, इतने टाइम से मैं लॉस सैंटोस में रह रहा हूँ एंड पहली कहाँ गया भाई? यहाँ पे तो ट्रैकिंग कर रहे बंदे, वो जंगली सुअर गया कहाँ पे? गाइस यार इनका तो अलग ही लेवल का चल रहा है। चलो गाइस यार लेस्टर को भाई इतने सारे पैसे मिले। अरे मिले हैं बट मैं अंदर जाने से डर रहा हूँ। अबे यार अब तेरे को भाई मेरे को नहीं पता, तू अपना समझ ले ठीक है, मैं निकल रहा हूँ। चलो गाइस यार मेरे को जो काम था हो गया। ये देखो भाई जंगली सुअर यहाँ पे भी आ गया। ये देखो भाई रोड क्रॉस करेगा। अब ये देखो भाई जंगली सुअर मैं पहली बार देख रहा हूँ यार, आप लोग भाई भाई मतलब यार समझ रहे हो। चलो कोई बात नहीं, फटाफट से निकलते हैं गाइस यार अपने घर की तरफ। अरे फ्रैंकी भी ये घर की, चलो इसको टॉय में कन्वर्ट कराते हैं। अब यार इसको मैंने ना अच्छे से देखा भी नहीं है, रुको एक बार देख लेता हूँ। अरे हाँ फ्रैंकी भी ये देख लो। अबे हाँ हाँ देख लेता हूँ गाइस यार कार। अबे तू डर क्यों रहा है? अरे वो लोग यहाँ पे आ गए तो पागल है क्या? बहुत दूर है वो लोग भाई, बहुत दूर है भाई, वो पहाड़ी के पास हैं और उनको यहाँ तक आते आते भाई बहुत टाइम लग जाएगा। ये देखो ये है गाइस यार भाई महिंद्रा की स्कॉर्पियो, एंड जो कि भाई स्कॉर्पियो एन है नियो, आपको पता है गाइस 7 सीटर है गाइस। देखो पीछे भी बंदे 2 बैठ सकते हैं, बीच में 3 और आगे 2, यानी कि 7 बंदे कंफर्टेबल बहुत बढ़िया से बैठ सकते हैं। एंड ऊपर गाइस सन रूफ भी दिया गया है, ये देखो गाइस कितना बढ़िया है। मेरे को तो गाइस बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। चल सिंचन चलते हैं जल्दी से जल्दी बेनी के गैराज में, एंड गाइस इसको देंगे हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से बनाने के लिए। ठीक है यार लेस्टर तू मेरे को ऐसा ऐसा काम देता रहेगा ना तो मज़ा आएगा। गाइस यार लेस्टर भाई मेरे को जब तक काम नहीं देता तो मेरे को भाई दिमाग ही काम नहीं करता। देखो गाइस अभी ब्रांड न्यू कार है सिंचन, ये मिली कहाँ होगी इसको? अरे मेरे को क्या पता। चलो गाइस देखते हैं, अभी भाई साहब बहुत तगड़ा वाला सीन चल रहा है लॉस सैंटोस में गाइस यार। इतने भाई मेरे को पता भी नहीं है, इतने खतरनाक खतरनाक लोकेशन भी है लॉस सैंटोस में जहाँ पे इतने सारे पैसे छिपा के रखे रहते हैं, भाई मेरे को रियली विश्वास नहीं हो रहा है। चलो गाइस मैं चलता हूँ फटाफट से बेनी के गैराज में, एंड इस वाले कार को गाइस हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से भाई टॉय में कन्वर्ट कराएंगे, एंड देन आप लोगों को गाइस दिखाएंगे कि कैसी ये टॉय में कन्वर्ट होके बनती है। मैं तो गाइस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कार तो मेरे को बहुत अच्छी लगी बट कलर मेरे को बढ़िया नहीं लग रहा है, मैं ना इसको दूसरी कलर में करवा दूंगा, है ना सिंचन? अरे हाँ लेकिन उसने ये कार मंगाई कहाँ से? इम्पोर्ट कराई होगी इंडिया से, तेरे को पता ही है ना। तो चलो गाइस ये महिंद्रा की कार बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है एंड मेरे को बहुत ही बढ़िया लगती है, चलो चलते हैं। अरे रुको रुको, क्या हो गया? अरे वो देखो ना सिमियन के शॉप पे कौन सी कार की सेल लगी है। अबे भाई सेल तो लगी है, भीड़ भी है, क्या बात हो गई, जरा देखे भाई कौन सा। अबे यार ये तो स्कॉर्पियो एन ही है, सेम टू सेम कार की सेल लगी है। ये देखो गाइस यहाँ पे आप लोग देखो, ये तो स्कॉर्पियो S11 ही है। अरे S11 नहीं स्कॉर्पियो एन है। हाँ भाई, अरे भाई ये देखो रेड वाली कितनी प्यारी लग रही है, हम लोग जब टॉय बनवाएंगे ना तो रेड वाली ही करेंगे। ये देखो गाइस कितनी ज़्यादा प्यारी दिख रही है, एंड ये देखो लगता है मैडम ने ये कार खरीदी है। ये देखो ये थोड़ी सी ऑरेंज टाइप की है, एंड यहाँ पे देखो वाइट कलर की है। और भाई इसका प्राइस मेरे को पूछना पड़ेगा सिमियन से। अरे सिमियन यार तूने भाई सेल लगाई, मेरे को नोटिफिकेशन भी नहीं दिया कि महिंद्रा की थार आई है तेरे पास। अरे फ्रैंकलिन तुमको समझ नहीं आता क्या, ये स्कॉर्पियो इन है। अरे भाई महिंद्रा की थार मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये तो स्कॉर्पियो। अरे भाई ब्लू वाली भी बढ़िया दिख रही है गाइस यार, कितना प्यारा प्यारा कलेक्शन है। अरे इसमें तो साइन है वाइट वाले से, भाई ये तो वो बाहर वाली जो खड़ी है ना रेड वाली उससे बढ़िया ये वाली दिख रही है। भाई कितने की हो रही है, मेरे को बात करने दे भाई, ये कितने की पड़ रही है? अरे फ्रैंकलिन ये पूरे का पूरे
55 लाख की पड़ रही है इंडिया से इम्पोर्ट कराने के बाद। अब यार ये कुछ ज़्यादा ही नहीं है 55 लाख? और रे भाई भाई कुछ ज़्यादा ही है, बट हम लोगों को क्या ही लेना है क्योंकि हम लोगों के पास आ गई है। बट यार इसका कलर मेरे को सबसे परफेक्ट ये लग रहा है, इंटीरियर तो सेम ही है यार, सबका इंटीरियर सेम है जो कि हम लोगों का है ना वो अपने स्कॉर्पियो का। अब यार अब मेरे को समझ में आया, लेस्टर ना यहाँ से ही ले गया होगा। रुको मैं बात करता हूँ भाई इससे कि लेस्टर ने आके यहाँ से कुछ ले गया है क्या। अरे भाई साहब लेस्टर के नाम से कोई कार बुकिंग हुई है क्या सिमियन, मेरे को बताएगा? अरे हाँ फ्रैंकलिन, लेस्टर ने वो ग्रीन वाली ली है, बहुत प्यारी है ना। हाँ भाई ठीक ही है भाई, प्यारी क्या है, मेरे को तो टट्टी जैसी ग्रीन वाली दिख रही थी। और भाई इतने सारे लोग आए हुए हैं क्या खरीदने के लिए, मतलब कि अभी अभी सेल लगी है भाई, मेरे को समझ में आ गया। ये देखो भाई इतने सारे लोग आए हैं भाई कार खरीदने के लिए। चलो गाइस हम लोगों को क्या ही जाता है क्योंकि हम लोगों को गाइस कार तो भाई ऑलरेडी मिल चुकी है ना सिंचन। गाइस देखो कितनी ज़्यादा ये प्यारी वाली कार है, मैं तो गाइस ये वाला कार भाई मस्त चलाऊंगा। सबसे पहले चलते हैं गाइस इसको टॉय में कन्वर्ट कराते हैं। एंड गाइस काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि दशहरा मनाओ भाई, रावण दहन करो, तो वो भी हम लोग गाइस सेलिब्रेट करेंगे, बस आप लोग सपोर्ट करते रहो। अगर हम लोगों के भाई वो दुर्गा पूजा वाली वीडियो पे जल्दी से जल्दी 100 के व्यूज़ दिला दोगे ना तो हम लोग फटाफट से भाई दशहरा मनाएंगे, भाई रावण दहन करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो चलो गाइस फिलहाल मैं आ चुका हूँ लॉस सैंटोस के बेनी के गैराज में। एंड ये यहाँ से कुछ इस तरह से ओपन होगा। और भाई बेनी, अरे वो बेनी, और कौन है भाई? अरे मैं भाई नीचे आया हूँ, देख फ्रैंकलिन आया है तेरे लिए, क्या स्पेशल लाया हूँ। और क्या लाया हो ब्रो? अबे नीचे तो आ भाई, क्या लाया हूँ तब ना देखेगा। और फ्रैंकलिन पता नहीं क्या लेके आया है, ग्रीन कलर। अरे ये तो स्कॉर्पियो इन है जो कि अभी अभी सेल लगी है सिमियन के शॉप पे, इसने खरीद भी लिया, इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ जाते हैं। अबे यार भाई तेरे को क्या ही जाता है, जल्दी से जल्दी इसको टॉय में कन्वर्ट कर दे। और फ्रैंकलिन तुम नई नई कार लाते हो, उसको चलाते भी नहीं हो और टॉय में कन्वर्ट करा देते हो, पता नहीं क्या माजरा है तुम्हारा, लेकिन कार तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मेरे लिए है, ये तुम्हारी अच्छी भी लग रही है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे कार को बहुत ही स्पेशल तरीके से मिनी बनाऊंगा, मिनी टॉय कार बनाऊंगा, ठीक है फ्रैंकलिन? हाँ भाई बना दे। सिंचन एक काम कर, तू ना अपने शोरूम पे चला जा। अरे क्या हो गया यार? शोरूम पे 2-3 गाड़ियाँ सेल करनी है ना, वहाँ पे मैंने जाके रखी भी है। अरे कौन कौन सी है? जाके देख लेना भाई, मैं ना ऊपर इंतजार कर रहा हूँ। चलो गाइज मैं ना वेट करता हूँ कि कब तक ये भाई कार वगैरह बन के रेडी होती है, फिर देन आप लोगों को गाइज हम लोग दिखाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। चलो गाइज आप लोग वेट करो 3-4 घंटे और हमारा कार बन के रेडी हो जाएगा। अभी मैं गया था गाइस जर कुछ खाने के लिए क्योंकि काफ़ी टाइम से घूम रहा था, भूख लग गई थी। अभी मैं आया हूँ क्योंकि भाई बेनी ने मेरे को बोला कि भाई कार रेडी है, चलो गाइस देखते हैं स्कॉर्पियो एंड टॉय कार। और रे भाई मैंने गाइस इसको बोला था कि रेड बनाने के लिए एंड इसने बना भी दिया है, थैंक यू भाई थैंक यू। और थैंक यू किस बात का? पैसे निकालो, पैसे तू बाद में लेना मेरे को भाई, तेरे को तो पता ही हम लोग अपने गैराज के लिए भाई कितना कुछ नहीं करते, एंड भाई पैसे तेरे को दे ही देंगे। चलो गाइस अभी हम लोग शोरूम पे चलते हैं। बट इस वाले कार की तो हालत भाई, स्टेयरिंग भी रेड की है एंड सीट देख रहे हो भाई प्योर, भाई देखो हम लोग दूसरी कार की सीट नहीं लगाते, सेम टू सेम वही कार की सीट लगाते हैं। इंटीरियर भी गाइस सब चीज़ होता है हमारे कार्स में, ऐसा नहीं है कि इंटीरियर हटा देते हैं। गाइस कार देखो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, मेरे को रियली में पसंद आया क्या गाइस, मेरे को पहले से ही लग रहा था कि ये कुछ यूनिक बनेगा। एंड ये सबसे हटके है क्योंकि भाई अभी तक हम लोगों ने स्कॉर्पियो एन टॉय कार नहीं बनाया था, स्कॉर्पियो है बट स्कॉर्पियो एन नहीं थी, फाइनली आज आ गई है। एंड सिमियन के शॉप पे भी भाई सेल लगी थी, आप लोगों ने देखा ही है। तो चलो गाइज अभी मैं फिलहाल जा रहा हूँ अपने टॉय कार के शोरूम पे। एंड गाइज यार अभी हम लोग भाई बहुत तगड़ी तगड़ी वीडियोस लाने वाले हैं। हाँ मैं क्या बोल रहा था गाइज, अगर आपको रावण दहन वाली वीडियो देखनी है तो आप लोग भाई कमेंट में बताना, हम लोग ज़रूर से ज़रूर रावण दहन पे वीडियो भाई बनाएंगे दशहरा का, जो जब भाई खतरनाक वाला आएगा। तो चलो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं गाइज यार अपने शोरूम पे, वहाँ पे भाई हम लोगों ने 3 कार लाई थी, अभी पता नहीं बिकी है कि नहीं बिकी है, वो जाके गाइज मेरे को देखनी भी है एंड भाई आप लोगों को भी दिखानी है। तो ये वाली टॉय कार आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि ये मेरे लिए अलग है, स्पेशल है एंड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी है, क्योंकि भाई आज भाई मेरे को गिफ्ट में मिला है ये कार स्कॉर्पियो एन। लेकिन हम लोगों ने एक छोटा सा काम भी तो किया है,
छोटा नहीं भाई, बहुत बड़ा काम था वो। चलो गाइस ये आ गया अपना टॉय कार का शोरूम, एंड ये सबसे भाई हट के हम लोग बनाते हैं पूरे यूट्यूब पे वीडियो। हाँ कुछ लोग हमारी वीडियोस को कॉपी करते हैं, पर यार क्या ही बोलता है, क्योंकि हम लोग पहले बना लेते हैं ना उनसे। तो चलो गाइस सिंचन क्या हुआ, इनको भाई कार पसंद नहीं है क्या? अरे पसंद है, ये लोग ले ही जाने वाले हैं। क्या हो गया भाई साहब, कार तो आपको पसंद आई है ना, कलर वलर का दिक्कत है क्या? अरे नहीं ब्रो, मैंने तो यही वाली कार ऑर्डर की थी, बस मैं निकलने ही वाला हूँ। ठीक है तो जाओ, क्या दिक्कत है, कार इतनी आपकी प्यारी है, बस लेख के जानी है। ये देखो जी वैगन इन्होंने पर्पल कलर की ऑर्डर की थी, तो हम लोगों ने इनको लिए कस्टमाइज बनवाया है। एंड ये हमारा टॉय कार का शोरूम है, जहाँ पे गाइस बहुत बढ़िया वाला ये शोरूम है। अभी इसमें कुछ अपग्रेड वगैरह करने हैं, जो कि गाइस धीरे धीरे आप लोगों को काफ़ी हद तक अच्छा देखने को मिलने वाला है। तो चलो एक काम करते हैं, भाई आप ले जाओ, मैं सिंचन निकल रहा हूँ। अरे कहाँ के लिए? अब घर जाने के लिए। अरे हाँ हाँ जाओ जाओ। हाँ भाई ये अपनी कार लेके जा रहे हैं, ये कार भी बहुत अच्छी लगती है मेरे को, ये एलॉय व्हील बहुत प्यारे हैं। तो चल सिंचन आ जा। गाइस देखो यार ये बंदा रोड पे कैसे चला रहा है, मैं भी थोड़ा देख लूँ। सिंचन तू घर आ जाएगा ना? अरे हाँ जाओ जाओ। चलो गाइस वो बंदा भाई कार लेके, भाई मैं भी देख रहा हूँ कि भाई बंदे आखिर टॉय कार खरीदते हैं तो चलाते कैसे है। ये देखो भाई काफ़ी बढ़िया तरीके से ये चला रहा है। एंड देखो गाइस यार ऐसे ऐसी कार हम लोग सेल भी करते रहते हैं, तो देखो ये बंदे को मैंने सेल किया है तो ये घर जा रहा है। चलो गाइस अपने घर हम भी चलते हैं, एंड आपको अब कार्स की कलेक्शन दिखाते हैं। भाई हम लोगों के पास बहुत सारी कार्स की कलेक्शन फ़िलहाल हो गई है। अभी हम लोगों ने फोर्थ फ्लोर तक पार्किंग एरिया अपग्रेड किया है। अभी मैं आगे का सोच रहा हूँ गाइस यार, अभी सिक्स फ्लोर भी बनाने का, फाइव फ्लोर पहले बनेगी, फिर सिक्स, फिर सेवन, टेन फ्लोर तक हम लोगों ने टारगेट रखा है, और भाई बहुत तगड़ा वाला रखा है। तो चलो गाइस फिलहाल चलते हैं घर पे, एंड भाई आप लोगों को पार्किंग एरिया में रखी हुई कार्स का कलेक्शन दिखाते हैं। गाइस यार आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई पार्किंग एरिया में जल्दी से जल्दी लिफ्ट लगना चाहिए। भाई उसका काम चल रहा है, भाई पैसे वैसे भाई इकट्ठे करने पड़ेंगे तभी हम लोग लिफ्ट लगाएंगे। धीरे धीरे गाइस आप लोगों को पता चलते रहेगा। फिलहाल ये स्कॉर्पियो एन आप लोगों को कैसी लगी टॉय कार में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ये रहा गाइस हमारा घर, एंड गाइस यार घर के अंदर हम लोग आ चुके हैं। सिंचन क्या बात है, मेरे से पहले? अरे तो क्या हो गया? हाँ तो ये देखो यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है, सबसे पहले आपको भाई मिनी पेट्रोल पंप, एंड उसके बाद मिनी सिद्धू मूसेवाला का हवेली, देन आपको मिनी ताजमहल मिलेगा, ऊपर भाई कार्स का कलेक्शन है। चलो मैं आप लोगों को गाइस कार्स का कलेक्शन दिखाता हूँ, जो कि गाइस आप लोग देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाओगे। ठीक है सिंचन? अरे जाओ जाओ दिखा दो सारे लोगों को। हाँ भाई दिखा रहा हूँ ऊपर जाके मैं सब कुछ। आप लोग गाइस कार वगैरह काउंट कर लेना कितनी है, क्योंकि बहुत सारी है, कितना दिखाऊंगा मैं। देखो सबसे पहले गाइस आपको टैंकर देखने को मिलेगी, देन आपको लैम्बोर्गिनी उरुस, एमसी क्यून वाली कार, टाटा की ट्रक, फरारी, मस्टंग जीटी, ये हो गई बस, ये ट्रक हो गई, एक और बस, जॉन डीरे ट्रैक्टर शुरू में आप लोगों ने ये देखा ही, टैंकर है गाइस ये आग लगा देती है बहुत खतरनाक है, ये लॉरी है पुष्पा फिल्म वाली, ये डीजे वाली ट्रैक्टर है, एंड ये देखो एक और है भाई, ये डीजे वाली है बहुत बढ़िया वाली ट्रक, एंड देन यहाँ पे पुलिस वाली बुगाटी। तो इतना है कलेक्शन, यहाँ पे आई थिंक 15 कार्स है। अभी हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे चलेंगे, तब आप लोगों को गाइस देखने को मिलेगा और भी भाई बेहतरीन बेहतरीन कार्स का कलेक्शन। चलो गाइस हम लोग, अरे भाई क्या कर रहा हूँ मैं, अच्छे से चलाना है। देन यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को कौन सी कार देखने को मिलेगी, सबसे पहले आपको थार देखने को मिलेगी, फॉर्चूनर लीजेंडर, लैंडी जीप डिज़ायर, फाइव डोर वाली रॉक्स थार, लैम्बोर्गिनी उरुस, एंड भाई लैम्बोर्गिनी सियान उरुस नहीं, जिमनी, किया सेल्टोस, ब्रेजा और सुजुकी स्विफ्ट, रोल्स रॉयस, इंडियन फ्लैग वाली कार, पुलिस वाली लैम्बोर्गिनी, एंड ये भाई डीजे वाली बोलेरो, देन यहाँ पे एक और रोल्स रॉयस एक्सयूवी 700, बीएमडब्ल्यू कैंपर। तो देखो गाइस ऊपर का कलेक्शन देख लेना, आई थिंक हम लोगों को मिला के शायद नीचे 15 था, ऊपर भी 15 के अक्रॉस है, मतलब पार ही होगी शायद। भाई मेरे को लगता है 50 प्लस हम लोगों ने पूरा का पूरा कलेक्शन बना दिया है, मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग काउंट करके कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार बता देना। तो ये हमारा टॉप फ्लोर हो गया, एंड टॉप फ्लोर पे स्कॉर्पियो एन लगेगी, तो यहाँ पे इसको लगा देते हैं। ये है हैरियर, हैरियर के जस्ट बगल में लगेगी, तो ये अभी अभी कार्स आई हुई है। हैरियर के बगल में गाइस यार बोलेरो है, बोलेरो के बगल में भाई टेस्ला की कार है, एंड देन भाई ये बहुत प्यारी वाली स्कूल वाली बस है टू सीटर। यहाँ पे आपको ऑडी R8, ये टार्जन दी वंडर कार, डिफेंडर, स्कॉर्पियो S11, और ये देखो ये वाली सेल हुई थी ना अपने भाई पर्पल कलर की, और यहाँ पे हो गई ये भाई बहुत प्यारी वाली सिद्धू मूसे वाली थार, देन यहाँ पे थ्री सीटर जिमनी,
थार, बोलेरो, फॉर्चूनर लेजेंडर, सुजुकी स्विफ्ट, स्कॉर्पियो S11 और 5 डोर वाली रॉक्स थार। ये 3 सीटर है, 7 कार अभी 3 सीटर में अवेलेबल है। अभी और भी गाइज सर कार्स आनी बाकी है, जो कि गाइज आप लोगों को आने वाले अपकमिंग वीडियोस में देखने को मिलेगी। एंड मैं ना अभी यहाँ पे बहुत बढ़िया वाला पार्किंग एरिया में ना एक छोटा सा लिफ्ट लगाने वाला हूँ, उसकी भी वीडियोस आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगी, बस आप लोगों को वेट करना है। तो चलो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, देखते हैं गाइज नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को कौन सी वीडियो देखने को मिलती है।